ओम शांति। 28 जून 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं जो रिवाइज हो रहे हैं 28/2/1986 के। 18 फरवरी 1986 को बाबा ने ये बातें, ये मुरली हमें दी। आज की मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी अर्थात जरा भी अंतर नहीं है, लगातार तथा निरंतर योगी। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी। हर वक्त 24 घंटे के योगी, थोड़ी देर के नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे योग किया, 2 घंटे सेवा की, नहीं, हम 24 घंटे सेवा पर हैं और 24 घंटे के हम योगी। आज ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। ये गंगा सागर का मेला है जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई। कहां कहां से बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। ज्ञान गंगा कौन? जो ज्ञान को और आत्माओं तक ले जाने का काम करें, वो हैं ज्ञान गंगाएं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना है, बनाना ही है। इस निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणकारी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं, रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज सुनकर, अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। क्या उमंग बढ़ता रहता है? कि आत्माओं के दुख और अशांति को परिवर्तन करें, इस सेवा की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें
विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आज आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। चारों तरफ आवाज फैलाना माना संदेश देने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं, ये भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, तरीका भी समझ में आ गया है कि क्या देना है, कैसे देना है, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं, स्वस्थिति स्व उन्नति उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हो और दिला रहे हैं, अटेंशन दे भी रहे हो और दिला भी रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है, जैसे आदि में भी मैं सभी रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध आदि रत्नों ने जो शुरू शुरू के बाबा के बच्चे बने, दिन और रात समय जिसको कहेंगे बाप के हवाले कर दिया, बाप के आगे समर्पण कर दिया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति को प्रत्यक्ष रूप देखा, क्योंकि उन्होंने अपना समय श्वास संकल्प तन मन धन संबंध सब कुछ बाबा के आगे समर्पित किया। मीन्स जैसे कहोगे वैसे हम तन का यूज करेंगे, वही हम मन से सोचेंगे, वही हम धन खर्च करेंगे, हमारा कोई संबंध सारे यही है, हमारा श्वास इन सब के दुखों को दूर करने के लिए, हमारा संकल्प इन सब के दुखों को दूर करने के लिए। सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा बाबा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे वा कृष्ण रूप में देखते थे, या तो ब्रह्मा बाबा को साधारण रूप में देखते थे या कृष्ण के रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था, ये अनुभव है ना, दादा है ये सोचते थे, परंतु चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे कि ये कृष्ण ही चल रहा। ऐसे किया ना, आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा, अनुभव की और सेवा की।
आदि में जब भी जहां भी गए सब ने देवियां ही अनुभव किया। देवियां आई हैं, यही सबके बोल सुनते, यही सबके मुख से निकलता था कि ये देवियां हैं, ये अलौकिक व्यक्तियां हैं, ये इस दुनिया के रहने वाले नहीं है, ये व्यक्ति इस दुनिया के रहने वाले नहीं है, ये अलौकिक दुनिया के रहने वाले। ऐसे ही अनुभव किया ना, ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित करती, सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा के आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही, अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में सब अनुभव करेंगे। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय क्या बनना है, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। निरंतर माना अंतर नहीं आना चाहिए, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप। उनको दिखाई दे कि ये तो साक्षात बाप समान है, भगवान की तरह है। इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, चलते फिरते, अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, ये है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्वेश्चन पूछा है, मनाई है या देखी है, क्या कहेंगे आप? सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर जुबली, कोई की कॉपर की, तांबे की हुई? सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं परिस्ता सो देवता हूं। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका परिस्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ, स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगा। सेवा में लगाना अर्थात स्वयं उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का
प्रयत्न करते हैं। ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो, निरंतर। 4 घंटे 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, 4 घंटे 6 घंटे के योगी नहीं, 4 घंटे 6 घंटे के महादानी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। मुझे सोचना है तो विश्व कल्याण का, बोलना है तो विश्व कल्याण का, करना है तो विश्व कल्याण, बस सबके कल्याण में मेरा कल्याण। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड में सेवा में बिजी, संकल्प और सेकंड, समय और संकल्प किसमें बिजी हो, सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी माया को भी आपके पास आने की, फुर्सत नहीं होगी। आपको फुर्सत नहीं है, आप बिजी हैं, तो माया को भी आपके पास आने का चांस नहीं मिलेगा। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। आप बिजी रहेंगे तो समस्याएं अपने आप ही समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो समाधान स्वरूप है, शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो, पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। कौन? जिनकी दृष्टि पतित थी, आए थे पतित दृष्टि वाले, परंतु देखा तो दृष्टि भी परिवर्तित हो, पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते हैं। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ, इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कार के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा, दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहां तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान तो स्वयं का ग्रहण स्वतः ही समान। दान दो, वरदान दो तो क्या होगा, स्वयं का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपका जो ग्रहण है, ग्रहण क्या होता है, जो हमारे गुणों को छुपाता है, अवगुण, हमारे अवगुण ग्रहण है। तो
तो हमारे ग्रहण क्या हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा, हमारे अवगुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या करो, दान दो और वरदान दो, अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। सेवा सबकी करनी है, उन भटकती हुई आत्माओं को भी टिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना हर आत्मा को, मुक्ति धाम में तो जाना ही जाना है, उन्हों को घर तो देंगे ना, तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी है, सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। क्या खाएंगे, श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ, मेहनत का मेवा नहीं खाओ। मेहनत वो करते हैं जिनको बाबा से मोहब्बत नहीं, जिनको मोहब्बत है वो मेहनत नहीं लगती। सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है, अपने आप ही मिल जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हो गया है, चाहे लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है, चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई है, अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता का इमर्ज करो। तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति में जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती। जब तक सेवा में बिजी रहो समस्याएं सारी खत्म, कोई समस्या नहीं आती। प्रैक्टिकल अनुभव है, जब तक सेवा में जितना समय सेवा में बिजी रहेंगे कोई समस्या नहीं आएगी। सेवा छोड़ी नहीं, फुर्सत आई नहीं, समस्याएं भी आ जाएंगी, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं।
हर सेकंड हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, खत्म, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो, बेहद का सोचो और बेहद के कार्य को सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है, देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया ये नहीं सोचो। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का वा 50 वर्ष का, सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं की समस्याओं का को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को बाप समान, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। ये विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। साथ भी रहे और फिर जहां तक जीना है वहां तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना, ये विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, किसे जन्म हुआ? स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान से पहले नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सब से बाप के स्नेह का अनुभव करे, आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या हैं, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए।
क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वो अकेले बाप के नहीं है, वो अकेले बाप के नहीं, किसके हैं? गोपी, वल्लभ और गोपिकाओं के चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा। तो आगे रखना ये चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प बाप ने नहीं किया, ये संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर वन, हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना, इस त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों, डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं, जिन्होंने डायरेक्ट पालना लिया है बाबा से, विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियां काम नहीं है, वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो, वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना ये कोई कम विशेषता नहीं, विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वे सदा के लिए महान रहते हैं, चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में, सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया, खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वे तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है, हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है
वो समझो मण का माला में पिरोता जाता है। तो वो समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं, लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर हैं, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप, जैसे ब्रह्मा बाप को भी समस्या, ब्रह्मा बाप को देखा समस्या ले जाने वाला भी लेकर आया, और क्या लेकर के गया, ये अनुभव किया ना, समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही। समस्या लेकर आए, बोले बोलने से पहले खत्म, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएंगी, आधा कल्प के लिए विदाई ले लेंगी, उनका विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है, तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वे जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना, सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर ही रहती है। अच्छा वरदान है श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। नंबर एक सदा परोपकारी रहना, नंबर दो बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं, उनकी प्रालब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। ओम शांति।